Please subscribe my channel to watch all latest videos and don't forget to press bell icon for the latest notifications. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप सबसे बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो इस खुशी में क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप सबके सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू। और आज मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वो है डेरी मिल्क चॉकलेट केक। और लॉकडाउन की वजह से मुझे यहाँ से ब्लैक चॉकलेट मिली नहीं, इस वजह से मैं डेरी मिल्क चॉकलेट ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए डेरी मिल्क चॉकलेट केक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया 2 कप, कोको पाउडर ले लिए, और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून ले लिया है, और यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया 1.5 टीस्पून, नमक ले लिया 1/2 टीस्पून, और यहाँ इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। अब मैं क्या करूँगी, मैदे में जो है वो कोको पाउडर ऐड कर दूँगी, ऐड करने के बाद मैं इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, नमक ऐड करने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी, और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद बेकिंग सोडा ऐड कर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अब हम यहाँ पे केक की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर ले लिया, कास्टर्ड शुगर ले लिया, और दूध ले लिए, अंडे ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ, और वेजिटेबल ऑयल ले लिए, और चोको चिप्स ले लिए, ऑप्शनल लेना चाहें तो ले लें, और वनीला एसेंस ले लिए। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, और बाउल में जो हमें 3 अंडे जो लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ब्राउन शुगर भी ऐड कर दूँगी, ब्राउन शुगर ऐड करने कास्टर्ड शुगर भी ऐड कर दूँगी, और हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट हो गया, मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दूंगी, वेजिटेबल ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी, उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, और दही ऐड करके मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से फिर से बीट कर लेंगे। बीट कर लिया मैंने, अब इसमें जो है ना दूध डालकर इसको 1 मिनट के लिए जो है ना अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट बनाए थे केक के ड्राई इंग्रेडिएंट, वो इसमें ऐड करके अच्छे से इसको फिर से बीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छे से बीट की जाना है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डालूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालकर तो इसको बीट की जाना है। घर में बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फिर अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। देख सकते हैं हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका है, और अब मैं इसमें चोको चिप्स डालकर इसको मैं मिक्स कर लूँगी, एक दफ़ा इसमें मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, आप मतलब किसी भी चीज़ में घर में बना ले, मेरे पास नॉन स्टिक बेकिंग का पैन है, मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, और इसमें बटर पेपर जो मैंने कट कर लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी, हाथों की मदद से इसको प्रेस करके अच्छे से इसको जो है ना हम अंदर फिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छे से इसको ना ब्रश के साथ में ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी मत चिपके और ज़बरदस्त सा बने। साइडों पे भी मैं इसके जो बटर पेपर लगा लूँगी। ये मैंने बटर पेपर लगा लिया, अब जो मैंने बैटर तैयार किया था वो मैं इस बेकिंग पैन में डाल लूँगी, और देख सकते हैं ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा वो बना है, बैटर तैयार हुआ है। और मैं जो है ना इसको अच्छे तरीके से साइड से साफ़ करके, और इसको हम ना मैंने यहाँ पे जो है ना ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, और 170 डिग्री पे 45 to 50 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। उतनी देर हम ना इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। क्रीम ले लिया मैंने यहाँ पे, डेरी मिल्क चॉकलेट ले लिया है, मक्खन ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब क्या करूँगी, मैं इस चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी,
इसमें क्रीम को ऐड कर लूँगी। क्रीम को ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लिया, इसके अंदर मैं मक्खन भी डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हम जो है ना साइड पे रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। अब हम इसको जो है ना विस्क करेंगे बीटर के साथ, अच्छे से मतलब गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा हमारा मिक्सचर। हमारा जो केक है ना वो भी रेडी हो चुका है। मैं एक टूथपिक लूँगी, इतना सॉफ्ट सा रेडी हुआ है, और मैं यहाँ पे टूथपिक लूँगी, चेक करेंगे ये हमारा बन चुका है। देखें कुछ भी नहीं लगा साथ पे, कुछ भी नहीं लग रहा है टूथपिक, उसका मतलब कि हमारा जो केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। केक देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, और इसको मैं ठंडा कर लूँगी अच्छे तरीके से। मेरी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने शुगर का सीरम बनाया है चीनी में, नीम गर्म पानी में जो है ना मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, और ये हम ऊपर से इसकी एक लेयर उतार लेंगे केक की, और इसको मैं दरमियान में से 2 पीसेस में कट कर लूँगी। देख सकते हैं हमारा कितना ज़बरदस्त सा अंदर से भी तैयार हुआ है केक। अब मैं क्या करूँगी कि शुगर का जो सीरम बनाया है वो हम ब्रश के साथ इसके ऊपर ब्रश कर देंगे अच्छे से, जिससे ना हमारा केक जो है ना वो सॉफ्ट बनेगा, अंदर से सख्त नहीं होगा। अभी ये जो मैंने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद जो है ये ऐसे सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऊपर भी पीस रखेंगे, उसके ऊपर भी शुगर का जो सीरम बनाया वो करेंगे, उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। जैसा आप चाहते हैं आप अपनी मर्जी से डेकोरेट करें, जो आप ऊपर लगाना चाहते हैं लगाएं। मैं फिर से इसके ऊपर जो है वो जो चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर लगा दूंगी, और आप लोग अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करें जैसा करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इसके इंग्रेडिएंट जो है उसकी जितनी क्वांटिटी है सब बता देती हूँ, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। देख सकते हैं कितना यम्मी सा जो केक है ना वो तैयार हो गया। आप घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका केक। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा बना है और यम्मी सा केक बना, इतना चॉकलेटी केक था ना। घर में ज़रूर बनाइएगा और लाजमी बताइएगा, और थैंक यू सो मच।